हेलो दोस्तों, क्या फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का सक्सेस जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 12वीं के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का वी वी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो भी स्टूडेंट इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आप सभी को ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी के किस शासन का वर्णन है, यानी अबू फजल के द्वारा जो आइनाए अकबरी की रचना किया गया था, इसमें कि कौन ऐसे शासक का वर्णन मिलता है। चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा में दिया गया है शाहजहां। तो हम आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिया गया संसद क्या था। दोस्तों, आपसे बता दें कि संसद क्या था, पहला से मिला है स्वर्ण सिक्का, चांदी का सिक्का, ताम्र सिक्का और खर का सिक्का। तो संसद जो था उस समय का स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का को संसद कहा जाता था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिक्का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तीन में दिया गया है, मुगलकालीन सर्वाधिक उर्वरक भूमि कौन सी है, यानी मुगलकालीन यानी मुगल के काल में जो उर्वरक सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उर्वरक की जो भूमि थी वो कौन थी। चार ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उस समय में जो पोलज भूमि थी, पोलज नामक जो भूमि थी वो काफ़ी ही उर्वरकदार भूमि थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर चार में दिया गया है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, ये आपके इंटर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन मिलेगा दिल्ली में, ऑप्शन बी में मिलेगा आगरा में, ऑप्शन सी में मिलेगा फतेहपुर सीकरी और डी में मिलेगा लाहौर में। तो आपसे बता दें कि फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा स्थित है। आपसे बोला जाएगा कि फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा ये नगर की स्थापना किया गया था, तो सम्राट अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी नामक नगर का स्थापना किया गया था। अगला सवाल आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच को, कि शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट में थे, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जानते भी होंगे कि शाहजहाँ ने ताजमहल का जो निर्माण है वो किसके याद में कराया था। आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट का जवाब पहले से मालूम होगा, आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते चलिएगा। पहला से मिला है नूरजहाँ ने जोधाबाई की याद में, जहाँ आरा की याद में और डी में मुमताज़ महल की याद में। तो यहाँ भी अगर अकबर बोलता ना तो क्वेश्चन का राइट आंसर जोधाबाई होता, लेकिन अकबर के द्वारा तो ताजमहल का निर्माण हुआ था नहीं, यहाँ पे बोला गया है शाहजहाँ के द्वारा था। शाहजहाँ अपने मुमताज़ बेगम के याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर छः दिया गया है कि स्थापत्य कला का सर्वोच्च विकास किस मुगल शासक के काल में हुआ था। कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्थापत्य कला यानी स्थापना का जो काल था वो किसके काल में ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की गई है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो यहाँ पे दिया गया जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहाँ। दोस्तों, आपसे बता दें कि शाहजहाँ के द्वारा ही इनके ही काल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऐसे स्तंभ है, बहुत सारे ऐसे किला है जो शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सात में दिया गया है, तेनालीरामा का संबंध किस राजवंश से है। तेनालीरामा का जो संबंध है वो कौन से राजवंश से है। पहला है अहमदनगर, विजयनगर, सी में दिया गया है बीजानगर, डी में दिया गया गोलकुंडा। आपसे बता दें कि तेनालीरामा का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से था, ठीक है। उसके बाद में आठवीं क्वेश्चन नंबर आठ को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आठ दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापनाकार जो थे वो कौन थे। पहला ऑप्शन मिला है हरियर एवं बुक का, ऑप्शन बी में मिला है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी में दिया गया है कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी में दिया गया है सदाशिव राय। आपसे बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वो हरियर तथा बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने किए थे। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियर एवं बुक्का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया गया है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभ का श्रेय किस संत को जाता है, यानी उत्तर भारत में
अगर भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था उसका पूरा जो श्रेय जाता है वो किस संत को जाता है। चार संत का नाम दिया गया है। पहला संत का नाम दिया गया संत कबीर, संत गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद में ऑप्शन डी में दिया गया है रामानंद। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर उत्तर भारत में जब भी भक्ति आंदोलन की बात की जाती है वहाँ पे संत रामानंद की चर्चा जरूर की जाती है, क्योंकि रामानंद के द्वारा ही भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में फैला हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि शेख मैनुद्दीन या ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। आप सभी स्टूडेंट जानते भी होंगे कि ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है पहला शिमला है, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, डी में, इनमें से कोई नहीं। आपसे बता दें कि ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि अशोक के कालिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है। अशोक के कालिंग का विजय का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में है प्रथम, ऑप्शन बी में है सप्तम, ऑप्शन सी में है दशम, ऑप्शन डी में है तेरहवें। तो आप सभी को बता दें कि अगर जब भी अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख की बात किया जाता है तो जितने भी अभिलेख थे उसमें 13वें जो अभिलेख हैं उसे में ही कलिंग विजय यानी अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 13वें अभिलेख में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन है। चार शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, डी में कुमारगुप्त। क्वेश्चन का राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो हरिसेन के द्वारा किया गया था जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। दोस्तों आपसे बता दें विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। पहला है हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो के द्वारा ही विशाल स्नानागार अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे था। पहला ऑप्शन है सिंध नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, डी सी में सरस्वती नदी के किनारे और डी में रावी नदी के किनारे। आप सभी को बता दें कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 510 में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ मिलता है। 510 ईसा पूर्व या ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य यानी वारंट का बात करें तो उसका जो अभिलेख है जो सबूत है वो कहाँ मिलता है। पहला है वो एरन, बी में है चुनागढ़, मस्की और मेहरौली। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ओ एरन हो जाएगा, क्योंकि 510 ईस्वी में सर्वप्रथम अगर सती प्रथा के साक्ष्य के वाला अभिलेख की बात करें तो वो ओ एरन में मिला है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी सिंपल है, जो भी उसने महाभारत देखे होंगे उनको मालूम होगा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला है युधिष्ठिर को, भीष्म को, अर्जुन को और डी में भीम को। दोस्तों आपसे बता दें कि कभी भी गंगा पुत्र की नाम की बात किया जाता है तो भीष्म पितामह की बात जरूर की जाती है, क्योंकि गंगा पुत्र के संज्ञा जो है वो भीष्म पितामह को दिया गया है। आपसे देवता पुत्र भी पूछेगा कि इनमें से देवता पुत्र किसे कहा जाता है, वैसे परिस्थिति में भी क्वेश्चन का राइट आंसर भीष्म पितामह हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है, सूर्यपुत्र। तो आपसे बता दें कि सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है, तो कर्ण को कहा जाता है जिसे जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के मैदान में जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था दो विचारों के बीच हुआ था, एक था कौरव दूसरा था पांडव, तो ये जो युद्ध चला था वो 18 दिन तक चला था, ठीक है। तो चार से मिला है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। क्वेश्चन का राइट आंसर 18 दिन हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 18 है कि सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था। दोस्तों आपसे बता दें कि सांची स्तूप का जो निर्माण था वो चार यहाँ पे दिया गया ऑप्शन कि अशोक, पुष्यमित्र सुंग, गौतमी पुत्र और कनिष्क के काल में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सांची स्तूप की, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो सर्वप्रथम अशोक के काल में हुआ था। अगला सवाल कुछ 19 में दिया गया है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म। तो दोस्तों आपसे बता दें कि त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है।
क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी को मालूम होगा कि हम इस पर कक्षा 12वीं के लिए प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आप सभी को अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अपलोड करेंगे और साथ ही आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप सभी को दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।